In the last video, we have discussed what the nebula is. Now we will discuss its types. उसमें पहला है emission nebula. By the name itself, ऐसा लगता है ये nebula कुछ emit करता है, कुछ release करता है. जनरल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ जानते हैं कि जब कोई दो पार्टिकल्स आपस में फ्यूजन करते हैं या आपस में टकराते हैं तो वो उनके पास की जो एनर्जी है उसको रिलीज़ करते हैं और नॉर्मली वो एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में रिलीज़ होती है. इसका मतलब है इस नेब्यूला में भी कुछ रिएक्शन ऐसा ज़रूर हो रहा है वहाँ की पार्टिकल्स में जो कि एनर्जी रिलीज़ कर रहा है. बट द पॉइंट इज़ ये एनर्जी जो वहाँ के एटम्स में या पार्टिकल्स में आ कहाँ से रही है. इसका मतलब है आसपास में कोई स्टार है. तो हम इसको ऐसे लेते हैं कि एमिशन नेबुला के पास में कोई स्टार है जो यंग है, ब्राइट है, उसके पास काफ़ी एनर्जी है. वो यूवी रेडिएशंस को एमिट करता है. वो यूवी रेडिएशन ये नेबुला में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन हीलियम डस्ट पार्टिकल्स के जो एटम्स हैं या उनके जो पार्टिकल्स हैं ये उस यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और जैसे ही उसको एब्जॉर्ब करते हैं इन पे चार्ज आ जाता है. इसका मतलब है ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं. जब ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं और जब ये आपस में टकराते हैं तो ये लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं. ये लाइट एनर्जी कई कलर्स में हो सकती है, इसीलिए जब हम इस तरीके के नेबुला को देखेंगे तो ये हमें काफ़ी कलरफुल दिख सकता है. पिंक, ब्लू, ग्रीन, कई सारे कलर्स इसमें हो सकते हैं और इसी को हम एमिशन नेबुला कहते हैं.